नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। कैप्टन अमरिंदर ने महा ऐलान कर दिया है। यूपी की पंजाब की सियासत में नया बवाल मच गया है इनके ऐलान से। अब ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर जो है आखिर वो किसके साथ जाएंगे, किसके लिए मुसीबत बनेंगे। ये तमाम चीज़ आज आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले समझाता हूँ कि बड़ी खबर क्या, वो ये कि कैप्टन अमरिंदर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और अपनी पार्टी बनाने के साथ ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से शायद उनका समझौता हो जाएगा। अब सवाल ये भी कि कांग्रेस पार्टी का भी वो दामन छोड़ चुके हैं, उनसे इस्तीफा दे दिए हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस का क्या होगा। अब सवाल ये भी है कि पंजाब चुनाव में क्या होगा। अब सवाल ये भी है कि पंजाब में अब की बार किसकी सरकार, क्या वो आम आदमी पार्टी होगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्या वो कांग्रेस के फिर से दोबारा कहीं सत्ता में वापस तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी है, उससे भी ज़्यादा बनी है अगर किसी शख्स की, तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भले ही अपने पार्टी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्दे के पीछे काम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करेंगे। अगर उनके साथ गठबंधन भी होता है तो वो सिर्फ औपचारिक ही रहेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना मकसद नहीं है, या फिर कांग्रेस से इस्तीफा देना मकसद नहीं है। उनका जो मकसद, उनका जो इरादा है, इंटेंशन, वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से भी चुनाव लड़े वो, या किसी भी जगह से वो चुनाव लड़े, उनको वो जीतने नहीं देना चाहते हैं, नहीं उनको सीएम बनने देना चाहते हैं। ये लड़ाई कैप्टन अमरिंदर वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू है, कैप्टन अमरिंदर वर्सेस कांग्रेस नहीं है, कैप्टन अमरिंदर वर्सेस पंजाब में जो तमाम पार्टी नहीं है। तो यही वजह है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आज जो परेशानियाँ खड़ी हुई हैं, वो किसी और के लिए नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। कि बाकी दो शख्स की लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, कांग्रेस की परेशानियां बढ़ गई हैं कि अब 2022 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा। अब देखते हैं कि होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।